Good morning, student. Today in this video I will teach you the second chapter of English reader book, that is the King and the Nightingale. So what is the meaning of the King and the Nightingale in Hindi? Raja aur Bulbul. Ye jo story hai, actually kiski story hai? Ek raja ki aur bulbul ki ye kahani hai. Bahut achhi kahani hai. You will enjoy this story. So let's see the story. Once there was a king who lived in his palace. Ek samay ki baat hai, ek raja tha jo kahan rehta tha? Apne mahal mein rehta tha. His palace was near an orchard. Aur jo uska mahal tha wo kahan tha? Orchard kya hota hai? A garden of fruits, yani ki jo phalon ka jo bagicha hota hai use hum kya kehte hain? Orchard कहते हैं. द किंग वॉज हेल एंड हार्डी. हेल का मतलब क्या है? जो राजा था बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मतलब तंदुरुस्त था. हार्डी मीन्स बहुत ज़्यादा खुश था. एंड वॉज स्पेंडिंग हिज डेज क्वाइट हैप्पीली. और अपने जो दिन था वो बहुत अच्छे से बिता रहा था, खुशी खुशी बिता रहा था. बट वन डे ही हैड सम प्रॉब्लम एंड वॉज डिस्टर्ब. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, एक परेशानी हो गई. वो क्या हो गया? परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया. ही वॉज रेस्टलेस एंड कुड नॉट स्लीप द होल नाइट. रेस्टलेस मीन्स वो रेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसे सुकून नहीं मिल रहा था और वो पूरी रात सो नहीं सका. ही केप्ट ऑन मूविंग अनईजीली इन हिज बेडरूम. और वो अपने रूम में पूरी रात ऐसे ही टहलता रहा, बेचैनी से टहलता रहा. उसको बिल्कुल भी चैन नहीं था, उसे नींद नहीं आ रही थी. Suddenly the king heard the melodious voice of a nightingale. अचानक से राजा ने क्या सुना? बहुत मधुर आवाज़ सुनी. किसकी आवाज़ सुनी? बुलबुल की आवाज़ सुनी. Which healed the king's distressed mind to some extent. और जैसे ही राजा ने उस बुलबुल की आवाज़ सुनी, उससे क्या मिला? उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला. हील मीन उसे, जो राजा का जो परेशान मन था, डिस्ट्रेस मीन जो सैड दुखी मन था उसका, वो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला उसकी आवाज़ सुन के. ही हैड नेवर हेयर्ड सच अ मेलोडियस वॉइस बिफोर. राजा ने कभी भी इतनी मधुर आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी. So he said to himself. फिर उसने अपने आप से क्या कहा? What kind of bird is that? ये किस तरह की चिड़िया है? Early in the morning the king called his servant and ordered them to bring that bird before him. जैसे ही सुबह हुई, जो राजा थे उसने अपने नौकर को बुलाया और उनको ऑर्डर दिया, उनको आज्ञा दी कि वो चिड़िया को कहीं से भी लेकर आए, उसके सामने लेकर आए. The servant went into the garden. अब जो नौकर थे वो कहाँ गए? बगीचे में गए. And searched for the bird all day but in vain. और पूरे दिन, search means तलाश किया, मतलब उस चिड़िया को तलाश किया पूरे दिन. बट इन वेन का मतलब क्या है? लेकिन कोई फायदा नहीं रहा. वेन मीन्स व्यर्थ रहा, बेकार रहा, क्योंकि वो चिड़िया नहीं मिली. नाउ इट वॉज गेटिंग डार्क. अब बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था? डार्क मीन्स अंधेरा हो चुका था, रात हो रही थी. सो बींग होपलेस, होपलेस मीन्स तो वो निराश हो गए. द सर्वेंट्स रिटर्न टू द पैलेस. अब जो नौकर थे वो कहाँ लौट रहे थे? महल में वापस लौट रहे थे. ऑन देयर वे नियर अ स्ट्रीम दे सॉ अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री. रास्ते में एक धारा मिली, पानी की धारा, वहाँ पर उन्होंने एक चिड़िया को देखा जो कि किस पे बैठी थी? पेड़ पर बैठी थी. She was singing melodiously. और वो बहुत ज़्यादा मधुर गा रही थी. They went near the bird which was very beautiful. वो लोग उस चिड़िया के पास गए जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्या थी? सुंदर थी. They recognized it to be the nightingale. और उन्होंने पहचान लिया. Recognized का मतलब पहचान लिया. वो क्या थी? Nightingale थी, यानी कि बुलबुल थी. The servant told the nightingale about the wish of their king and requested to accompany them to the king. और जो servant थे उन्होंने nightingale को क्या बताया? मतलब जो राजा की जो wish थी उसके बारे में बताया और उसे request करी कि वो एकम्पनी मीन्स कि उसके साथ चले, राजा के यहाँ पर चले उनके साथ. दो द बर्ड डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद दैम. हालांकि जो चिड़िया थी वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी. इट वॉन्टेड टू मेक द किंग हैप्पी. लेकिन वो चाहती थी कि राजा जो है वो खुश रहें. सो इट वेंट अलॉन्ग विद द सर्वेंट. सो वो ना चाहते हुए भी जो नौकर थे उनके साथ चली गई. रीचिंग द पैलेस द सर्वेंट पुट द नाइटिंगेल बिफोर द किंग. जैसे ही जो नौकर थे वो पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे? महल में पहुँचे. उन्होंने जो नौकर थे उन्होंने बुलबुल को कहाँ रख दिया? राजा के सामने रख दिया. द किंग थैंक द नाइटिंगेल अ लॉट. उसके बाद जो राजा थे उन्होंने नाइटिंगेल को, बुलबुल को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहा. एंड रिक्वेस्टेड टू सिंग मेलोडियसली. और रिक्वेस्ट करी बुलबुल से कि वो उनके लिए क्या गाए? बहुत मधुर गाए, मधुर गाना गाए. द नाइटिंगेल सैंग सो स्वीटली दैट द किंग बिकेम वेरी हैप्पी. और जो बुलबुल थी उसने बहुत ज़्यादा प्यारा गाया, जिसकी वजह से जो राजा थे बहुत ज़्यादा क्या हो गए? खुश हो गए. ही कमांडेड हिज सर्वेंट टू पुट द बर्ड इन द पैलेस. और उन्होंने जो नौकर थे उनको कमांड किया, ऑर्डर दिया कि जो चिड़िया है उसको कहाँ रख दें? महल में रख दें. अ केज ऑफ कोल्ड वॉज ब्रॉट फॉर द बर्ड. और केज मीन्स पिंजरा मंगवाया. किसका? सोने का पिंजरा मंगवाया गया चिड़िया के लिए और उसको उसमें रखा गया. Although the nightingale lived in a cage of gold. हालांकि जो nightingale थी, जो बुलबुल थी, वो कहाँ रह रही थी? सोने के पिंजरे में रह रही थी. एंड
got all comforts yet it was not happy. और उसको हर comfort means हर एक आराम दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या थी, खुश नहीं थी. क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको ही किसी रूम में बंद कर दिया जाए और आपको हर फैसिलिटी जाए, तो आप खुश नहीं रहेंगी जितना कि आप हर जगह घूम कर रहेंगी. क्योंकि कोई भी इंसान, हर इंसान को फ्रीडम अच्छी लगती है, तो उसको भी वो कम्फर्ट नहीं मिल पा रहा था, कि जो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, तो वो खुश नहीं थी. इट सैंग फॉर द किंग बट द सॉन्ग वर नॉट सो मेलोडियस. वो राजा के लिए गाना गाती थी, लेकिन क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं थी, तो जो गाना था वो क्या था, मधुर नहीं होता था. सो द किंग कुड नॉट एंजॉय दीज सॉन्ग्स एज अर्लियर. उसके बाद जो राजा था, इसकी वजह से क्या कर रहा था, उन गानों का मज़ा नहीं ले पा रहा था जैसे वो पहले लेता था. वन डे वन ऑफ किंग्स फ्रेंड ब्रॉट मैनी प्रेजेंट फॉर द किंग. एक दिन एक राजा के फ्रेंड में से एक दोस्त आया जो उसके लिए बहुत ज़्यादा तोहफे लेके आया. एमंग दोज प्रेजेंट देयर वॉज अ टॉय नाइटिंगेल ऑल्सो. उन तोहफों में क्या था, एक खिलौना भी था बुलबुल की तरह. इट लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड ग्लिटर्ड ब्राइटली. वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुंदर था और बहुत ज़्यादा चमकदार भी था. इट हैड अ की ऑन इट्स हेड. और उस खिलौने वाले बुलबुल के अंदर क्या, उसके सर पर क्या था, एक की चाबी थी. द किंग्स फ्रेंड मेड अ डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर द किंग. जो राजा का जो दोस्त था, उसने क्या किया, उसको डिस्प्ले करके चला के दिखाया राजा के सामने. द टॉय नाइटिंगेल सैंग मेलोडियसली लाइक अ रियल नाइटिंगेल फॉर लॉन्गर टाइम. और जो खिलौने वाले जो बुलबुल थी, वो बहुत मधुर गा सकती थी बिल्कुल असली वाली बुलबुल की तरह ज़्यादा लंबे समय तक. यानी कि जो असली वाली बुलबुल थी, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं गा सकती थी, लेकिन वो लंबे समय तक गा सकती थी क्योंकि वो एक टॉय था. The king was very pleased to have this toy. और जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसको ऐसा टॉय मिल गया था. The king operated the key repeatedly and enjoyed the melodious song. राजा क्या करता था, उसको उसकी चाबी को बार बार घुमाता था. उसके बाद वो जो सॉन्ग था, मेलोडियस जो मधुर गाना था, वो चलता रहता था, उसको इंजॉय करता रहता था. बाय एंड बाय द किंग पेड नो हीड टू द रियल नाइटिंगेल एंड रिमेन बिजी इन हियरिंग द सॉन्ग ऑफ द टॉय नाइटिंगेल. और जो राजा था वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया खिलौने वाली बुलबुल में कि उसने वो रियल वाली असली बुलबुल जो थी, उसने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया. वो पूरे टाइम जो खिलौने वाली बुलबुल थी, उसका गाना सुनता रहता था. वन डे द रियल नाइटिंगेल गॉट अ चांस टू कम आउट ऑफ द केज एंड फ्लू अवे. एक दिन जो असली वाली बुलबुल थी, उसको एक चांस मिला बाहर आने का पिंजरे से, और वो उड़ गई. नाउ इट वॉज सो हैप्पी एज इफ इट हैड बीन सेट फ्री फ्रॉम द प्रिजन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो जो है कैद से आज़ाद हो चुकी थी लंबे समय के बाद. इट वॉज ग्लैड. वो बहुत ज़्यादा खुश थी टू लिव इन इट्स नेचुरल होम. यानी कि जो उसका प्राकृतिक घर था, जो नेचुरल जो जहाँ पर वो रहती है, वहाँ पर वो रहकर बहुत ज़्यादा खुश थी. व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट ही डिड नॉट केयर फॉर द रियल नाइटिंगेल एज ही नाउ हैड एन आर्टिफिशियल बर्ड. जैसे ही राजा को पता चला इस पूरे घटना के बारे में, उसने कोई परवाह नहीं की असली वाली बुलबुल की, क्योंकि अब उसके पास क्या थी, आर्टिफिशियल बर्ड थी. यानी कि वो टॉय बुलबुल थी, तो उसे कोई परवाह नहीं थी. द किंग पुट द टॉय नाइटिंगेल इन हिज बेडरूम. जो राजा था, उसने जो खिलौने वाली बुलबुल थी, उसे अपने बेडरूम में रख दिया था. अ सर्वेंट वॉज एम्प्लॉयड टू ऑपरेट द बर्ड. और एक नौकर रख लिया था जो बार बार उस टॉय वाली चिड़िया की क्या करता था, चाबी घुमाता था. सो द टॉय बर्ड सैंग द होल डे एंड वॉज नेवर टायर्ड. तो जो खिलौने वाली बुलबुल होती थी, वो क्या करती थी, पूरे दिन गाती थी और थकती भी नहीं थी. वन इवनिंग देयर वॉज अ हैवी डस्ट स्टॉर्म द विंडोज ऑफ किंग्स बेडरूम बींग ओपन. एक शाम की बात है, हैवी डस्ट स्टॉर्म मीन्स जो धूल भरी आंधी आती है, वो आई और जो खिड़कियाँ थी राजा की, वो खुली रह गई थी बेडरूम की. द टॉय नाइटिंगेल फेल डाउन. तभी क्यों खिलौने वाली चिड़िया थी, वो क्या हो गई, गिर गई टेबल से एंड ब्रोक इन टू पीसेज. और उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए. नाउ देयर वॉज नीदर द रियल नाइटिंगेल नॉर द टॉय नाइटिंगेल. अब जो थी उसके पास ना तो असली वाली बुलबुल थी और ना ही खिलौने वाली बुलबुल थी. तो सो द किंग टर्न सैड अगेन. अब जो राजा था, दोबारा क्या हो गया, उदास हो गया. ही फेल इल एंड नोबडी कुड ट्रीट हिम बिकॉज ही वांटेड टू हियर द स्वीट म्यूजिक. अब वो बीमार हो गया और उसे कोई भी कोई भी इसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि अब वो क्या सुनना चाहता था, वही प्यारा म्यूजिक सुनना चाहता था, संगीत सुनना चाहता था. नीदर डिड ही टेक फूड नॉट डिड ही स्लीप. ना तो वो खाना खा रहा था और ना ही वो सो पा रहा था. द डॉक्टर केम बट कुड नॉट क्योर हिम. डॉक्टर्स आए लेकिन किसी कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया. दिस द किंग विल डाई सून. सारे डॉक्टर्स ने क्या कहा कि जो राजा है वो क्या होगा, बहुत जल्दी मर जाएंगे. तो वन डे द रियल नाइटिंगेल अगेन केम इन द ऑर्चर्ड एंड सैंग इन द सेम टोन. एक दिन क्या हुआ, जो असली वाली बुलबुल थी वो दोबारा कहाँ पर आई, जो फ्रूट्स गार्डन था, जो ऑर्चर्ड था, वहाँ पर आई और उसने बिल्कुल सेम टोन में गाया, जैसे पहली बार गाया था वैसे ही उसने गाना गाया. एज सून एज द किंग हियर्ड द सॉन्ग ऑफ द रियल नाइटिंगेल, जैसे ही राजा ने उसका गाना सुना असली वाली बुलबुल का, ही ओपन हिज आई, उसने अपनी आँखें खोली एंड गॉट अप फ्रॉम द बेड, और वो बेड से उठ गया.
ही एट वंस रेन इन टू द गार्डन, वो तेजी से कहाँ दौड़ा, गार्डन बगीचे की तरफ दौड़ा, एंड सेट डाउन अंडर द ट्री, और कहाँ बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, वेयर द नाइटिंगेल वॉज सिंगिंग मेलोडियसली, और जहाँ पर जो बुलबुल थी क्या कर रही थी, वो मधुरता से गा रही थी. ही सेट माई लिटिल फ्रेंड आई हैव मिस यू वेरी He said, my little friend, I have missed you very much. राजा ने क्या कहा, मेरे नन्हे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया. I am very sorry that I neglected you for the sake of a toy. और उसने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें अवॉइड किया, अपने खिलौने की वजह से तुम्हें निगलेक्ट किया. You are the gift of God to live freely in God's universe. तुम जो है भगवान का तोहफा हो और तुम्हें जो है भगवान के यूनिवर्स में ही फ्रीली रहना चाहिए. सो प्लीज़ कम हेयर एवरी डे टू सिंग फॉर अ वाइल. मैं अब तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ थोड़े से समय के लिए और गाना गाओ. आई विल नेवर थिंक ऑफ पुटिंग यू इन द केज, और मैं कभी भी नहीं तुम्हें सोचूंगा कि तुम्हें पिंजरे में बंद करूँ. फ्रॉम डैट डे द नाइटिंगेल बिगेन टू सिट ऑन द ट्री फॉर सम टाइम, और उस दिन से जो नाइटिंगेल थी उसने डेली पेड़ पे बैठना शुरू कर दिया कुछ समय के लिए, और डेली क्या करती थी, वो वहाँ बैठती थी एंड सेंग इन मेलोडियस वॉइस, और बहुत अच्छा गाना गाती थी मधुर आवाज़ में. द किंग यूज़ टू हेयर टू इट एंड वॉज नेवर इल अगेन, और जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे उसका गाना सुन के और कभी भी बीमार नहीं पड़े. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, और इसमें क्या बताया गया कि हमें कभी भी जो बर्ड्स होती हैं उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी फ्रीडम, सबको फ्रीडम अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमें भी कैद कर दिया जाए तो हमें भी बुरा लगेगा. सो लेट्स सी द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी. नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या होती है, बुलबुल, और चार्ट अ गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज. हेल एंड हार्डी का मतलब क्या होता है, हेल्दी एंड हैप्पी. रेस्टलेस मीन्स अनईजी. मेलोडियस मीन्स स्वीट साउंडिंग, यानी कि जो मधुर आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं मेलोडियस. हील्ड मीन्स क्योर्ड. डिस्ट्रेस मीन्स सैड, यानी कि दुखी. कमांडेड करना यानी कि ऑर्डर देना. ग्लिटर मीन्स शोड ब्राइटली. ऑपरेटेड मीन्स मेड टू वर्क, यानी कि काम करना. मिस यू मीन्स मतलब किसी को मिस करना, खोया हुआ, उसकी एब्सेंस को फील करना. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी.